तो गाइस होंडा ने जो है फाइनली अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर शोकेस किया है EICMA के दौरान। सो होंडा का जो है ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है और 2023 में जो है ये लॉन्च हो सकता है यूरोपियन मार्केट में, उसके बाद में हर जगह लॉन्च होने वाला है। सो बात करें इस स्कूटर के मेन फोकस पे, तो इसका जो मेन फोकस है होंडा ने जो है अर्बन ट्रांसपोर्ट पे इसको मेन फोकस करके बनाया गया है, ताकि सिटी यूज़ में ही इसको काम ले सके, क्योंकि होंडा का ऑलरेडी पेट्रोलियम में इतना अच्छा मार्केट है टू व्हीलर्स का, तो होंडा नहीं चाहेगा कि उसके सेल्स डाउन हो इलेक्ट्रिक स्कूटर की वजह से, इसलिए होंडा ने इसको केवल सिटी राइड्स के हिसाब से ही तैयार किया है। बात करें इसके पावर फिगर्स की, तो इसमें जो है BLDC की हब मोटर देखने को मिलेगी। इसके जो बैटरी पैक है वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी अच्छा है, जो कि स्वाप सिस्टम पे भी काम करेगा, आप बैटरी स्वाइप भी कर सकते हैं, और हो सकता है होंडा के फ्यूचर प्लान्स भी हो बैटरी स्वाइपिंग सिस्टम के ऊपर, तो उस टाइप से इसको डिज़ाइन किया गया है। बात करें इसके रेंज की, तो इसमें क्योंकि सिंगल बैटरी यूज़ की गई है और जैसा कि डिस्प्ले में भी दिखाया गया है 92% है और 59 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी 65 किलोमीटर्स के आसपास इसकी रेंज होने वाली है। टॉप स्पीड की बात करें तो इसकी 50 km/h की टॉप स्पीड होने वाली है। बाकी लुक्स की बात करें तो इसके मोपेड टाइप के लुक्स हैं, LED DRS के साथ हेडलाइट आ जाती है और LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। बात करो प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है 80,000 एक शोरूम के आसपास आई थिंक होने वाली है। तो जैसे ही स्कूटर लॉन्च होता है अपन इसके बारे में और जानकारी लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना।